रिपोर्ट उस साप्ताहिक आग की जो देश में हर शुक्रवार को भड़क रही है। पिछले 3 जुमा से तो हम भी देख रहे हैं और आप भी। नूपुर के विवादित बयान के विरोध में पिछले 2 शुक्रवार को देश आग, पत्थर और हिंसक प्रदर्शन देख चुका है। कल 3रा जुमा है और इस बार हिंसा रिटर्न ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है। जुमे वाली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश हुआ था और इसीलिए यूपी का चप्पा चप्पा पहरे में है। पहला पहरा इसलिए ताकि फिर यूपी में कहीं से वो तस्वीर ना आ जाए जो 3 जून को कानपुर से आई, फिर 10 जून को प्रयागराज और सहारनपुर से आई। अब 17 जून का शुक्रवार शांति से बीते ऊपर वाले से यही दुआ है और इसीलिए जमीन से आसमान तक वर्दी का साया है। जवान पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और अब तस्वीर गोरखपुर की, जहां पूरी पुलिस फोर्स ने किसी तरह की हिंसा से निपटने के लिए लंबी ड्रिल की। इस दौरान अफसरों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ठीक है, हाँ, रबर बुलेट करें, स्टिंग ग्रेनेड करें, गैस वाले फायर ना करें। फायरिंग के दौरान सावधानी दें, सावधानी का ध्यान रखें, एक साथ जाएं, एक साथ फायर करें और एक साथ। सर ने रबर बुलेट का फायर किया है जो 45 गज दूर जाके रिकोचिट होके आगे गया, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा घास थी। तो अफसरों ने देखिए आप आंसू गैस के गोले दाग कर जवानों को किसी भी हालत से निपटने की ट्रेनिंग दी। दंगाइयों से निपटने का पूरा मैनुअल बताया गया ताकि दंगाइयों की कोई भी साजिश जो है वो कामयाब ना होने पाए। इन तस्वीरों से आप समझ लीजिए कारण है, उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें, जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकलें, बिना एंटी रेड उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं, चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं एंटी रेड उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में 500,000 लोग होते हैं, कौन आदमी पत्थर चला दे कब ये आप नहीं जान पाओगे और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है, इस बात का ख्याल रखें। विपिन टांडा को आप सुन रहे थे। गोरखपुर जैसी ही ड्रिल यूपी के सभी संवेदनशील जिलों में भी की जा चुकी है। प्रयागराज और कानपुर पिछले 2 शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित हुए थे और इसीलिए पुलिस का एक्स्ट्रा पहरा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स भी मैदान में दिख रही है। फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है, तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। RAF के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, UP पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और अभी गलियों में फ्लैग मार्च भी होगा। गलियों में जाकर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, लोग निडर होकर के अपने काम पर रहें, अपने घरों पर रहें, लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज जैसी ही तैयारी कानपुर में भी है। यहां ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है ताकि शहर का कोना कोना पुलिस की नजर में रहे और उस पर नजर रखी जा सके, दंगाइयों को कोई मौका ना मिले। कानपुर में शुक्रवार को शांति बनाए रखने की तैयारियों का जायजा लिया मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने। जुमे की नमाज को लेकर के तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको सबसे पहले सद्भावना चौकी पर वो कैमरे दिखा दें, P2Z कैमरे लगाए गए हैं, 360 डिग्री देखने में समर्थ होते हैं और P2Z कैमरे ऐसे शहर के संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं। हर जगह 4 कैमरे प्लेस किए गए हैं और 6 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं। अराजक तत्व अराजकता फैलाने की बात करता है, हरकत करता है तो उसे तुरंत चिन्हित कर लिया जाए, तुरंत पहचान लिया जाए। यानी पुलिस का पहरा चुस्त है, लेकिन अब शुक्रवार को फिर कोई वार ना हो इसके लिए योगी सरकार सिर्फ पहरे के भरोसे नहीं है, बल्कि ये तो CM योगी के एंटी दंगा फॉर्मूला का एक हिस्सा है। योगी सरकार ने शुक्रवार को दंगा रोकने के लिए 5 पॉइंट का एक फॉर्मूला तैयार किया है। योगी सरकार के फॉर्मूले का पहला पॉइंट है पहरा, जो हर शहर में लगा हुआ है, हमने दिखा दिया। इस फॉर्मूले का दूसरा सूत्र है संवाद, जो पुलिस शहर शहर कर रही है। तीसरा हिस्सा है धर्मगुरुओं के साथ अमन कायम करने को लेकर चर्चा। इसके अलावा प्रशासन ने हर शहर में पुलिस युवा मित्र तैयार किए हैं, हर संवेदनशील मस्जिद में वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, सिविल डिफेंस की मदद बकायदा इसमें ली जा रही है। तो योगी सरकार के फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा संवाद, जिसके तहत हर जिले में पुलिस ऑफिसर स्थानीय लोगों से बातचीत करके उन्हें भरोसे में ले रहे हैं ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की जो डोर है वो मजबूत हो। तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको कि कैसे वो संवाद भी हो रहा है,
यूपी में लगभग सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन के आला ऑफिसर्स घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। शहर के प्रमुख जगह पर सभी धर्मों के लोगों को जमा कर सौहार्द मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब आपके सामने वो तीन तस्वीरें रखती हूँ। उत्तर प्रदेश में संवाद से शांति बनाने की कोशिश कैसे हो रही है, ये आप देखिए। पहले फिरोजाबाद की और एटा की तस्वीर। ज्यादातर जिलों में पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी लोगों से मिल रहे हैं, हर तबके को भरोसा दिलाया गया है, पुलिस उनके साथ है, जुमे के दिन अमन बना रहे, हर नागरिक का कर्तव्य है। पुलिस लोगों को अफवाहों से दूर रहने के लिए भी कह रही है, माँ बाप को हिदायत दी जा रही है कि वो बच्चों पर नजर रखे ताकि असामाजिक तत्व उन बच्चों को अपना हथियार ना बना ले। यूपी सरकार ने दंगा रोको फॉर्मूले के तीसरे पॉइंट पर भी काम किया है, यानी धर्म गुरुओं को साथ लेने पर। प्रशासन ने जिले के सभी धर्म गुरुओं से बात की है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शुक्रवार को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की इसके बाद बाकायदा अपील भी की है। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि कल जुमा 17 जून को किसी भी तरह का कोई अवामी तौर पर सड़कों पर न उतरे, मस्जिदों में दुआएं करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने आका मौला की तालीमात को आम करें। अगर कोई मुस्बत नतीजा नहीं बरामद होता है तो इज्तिमाई तौर पर इंशाल्लाह कोई फैसला किया जाएगा। अगर आपको मिलकर लड़ाई लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, जिहालत के खिलाफ लड़ाई लड़िए, कि जुमे की नमाज में एक जगह पर यकजा ना हो, कि आप एक ही मरकजी जगह के ऊपर आप सब जमा हो, बल्कि आपके इलाके में हर महल्ले में मस्जिदें हैं, हर इलाके में मस्जिदें हैं, आप नमाज ज़रूर अदा करें, मगर अपने इलाके की अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। अपने इलाके की मस्जिद में, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। इस अमन की अपील के साथ साथ उलेमा और मौलानाओं के मुस्लिम समाज को ये भी समझाने की कोशिश भी की है कि शुक्रवार इस्लाम का एक पाक दिन है, ऐसे दिन हिंसा होने से जुमा बदनाम होता है और अगर यही होता रहा तो जुमे की जो पाकीजगी है, पवित्र दिन पर हिंसा के दाग और गहरे हो जाएंगे। जिस तरीके से 10 जून को देश भर में हादसे हुए और बहुत सारे शहरों के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुए, उससे देश की छवि भी ख़राब हुई, मुसलमानों की अपनी छवि भी ख़राब हुई और जो इस्लाम का शांति का मैसेज है वो न जाके एक अशांति का मैसेज पूरी दुनिया में गया है। मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा देश के मुसलमानों से, ख़ास तौर पर सभी लोगों से और ख़ासतौर पर नौजवानों से, वो किसी के बहकावे में ना आए। ये वो लोग जो भड़काना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, अपने आप तो घरों में घुस जाते हैं। मुकद्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज़ पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।